Hello everyone, in the series of Indian Penal Code 1860, today we are going to discuss section 87. आज हम section 87 के बारे में बात करते हैं. Section 87 बात करता है act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. इसमें बात करिए कि कोई person कोई act कर रहा है लेकिन उसकी intention, intended मतलब उसकी intention, उसकी नियत ऐसी नहीं है कि उसको वो act करने से उस person की death हो सकती है या फिर उसको grievous hurt हो सकता है. उस पर्सन की डेथ होना मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट मतलब उसको चोट हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है उस एक्ट एक्ट से. तो ना तो उसकी ऐसी कोई इंटेंशन है और नॉट नोन टू बी लाइकली, और नॉट नोन टू बी लाइकली का मतलब है कि इसको पता भी नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता है अगर इस एक्ट से मैं ये काम करूँ तो. और डन बाय कंसेंट, और अगर वो कंसेंट से किया जाता है तो इस सेक्शन में बताया है कि अगर कोई एक्ट की जो इंटेंशन है, जो पर्सन जो एक्ट करवा रहा है या कर रहा है उसको ये पता है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इसकी डेथ कॉज करूँ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करूँ, या फिर उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से ना तो डेथ होगी ना ग्रीवियस हर्ट होगा और मैं सामने वाले की कंसेंट से कर रहा हूँ, उस पर्सन की कंसेंट है इस काम को करने के लिए, तो फिर अगर मैं वो एक्ट कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा अगर उसको कोई भी हार्म पहुँचता है तो, सेकेंड पर्सन जो थर्ड पर्सन जो उधर है. ये जो सेक्शन में है इसमें एक मैक्सिम काम आती है, वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जो कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं. उसमें बता रखा है कि ही हु कंसेंट सफर नो इंजरी, जिसने कोई चीज के लिए कंसेंट दे दी है वो कोई, उसको अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए कोई लायबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आप सपोज मान लीजिए क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, क्रिकेट का मैच देखने गए और वहां पे जब खिलाड़ी ने शॉट लगाया और जब बॉल आपके सर पे आके लग जाती है, उसने आगे छक्का मारा और बॉल आपके सर पे आके लग गई, आपको ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, आपको गंभीर चोट लग जाती है उसकी बॉल लगने से, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये जो शॉट मारा है इसकी वजह से मुझे चोट लगी है तो आप इसके लिए लायबल हो, क्योंकि ये इम्प्लाइडली क्लियर करता है कि आप वहां जा रहे हो तो आपको ये पता है कि बॉल आपके ऊपर आ सकती है, बॉल आपके सर पे लग सकती है. तो ये जो है जो मैगजीन है वही है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ही हु कंसेंट्स सफर नो इंजरी. अब हम सेक्शन की बात करते हैं. सेक्शन में लिखा है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जिसमें पर्सन की इंटेंशन नहीं है ऐसी, उसकी नियत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करे या फिर ग्रीवियस हर्ट, किसी की मृत्यु कॉज करे या फिर किसी को गंभीर चोट पहुंचाए. एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, और ये जो डूअर है, जो पर्सन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, उसको ये भी नहीं पता है कि अगर मेरे इस एक्ट से किसी की डेथ भी हो सकती है कि ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे इसकी डेथ भी हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट, डेथ का मतलब मृत्यु, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट, तो वो ऑफेंस नहीं है. नथिंग इज एन ऑफेंस जब तक या तो उसकी इंटेंशन नहीं है या फिर उसको पता नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म्स विच इट मे कॉज, तो इस कारण से कि उसने कोई हार्म कॉज कर दिया है सेकेंड थर्ड जो अदर पर्सन है उसको. और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे जो पर्सन की बात करी है उसकी बात यह है कि अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं तो ही आपको माना जाएगा कि आपकी कंसेंट है, अगर आप 18 साल से कम के होते हैं तो यहाँ पे आपकी कंसेंट आप चाहे एक्सप्रेस कर रहे हो पूरी तरह कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नहीं मानी जाएगी, इसमें आपका 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है. अगर आप 18 साल से कम के होते हैं तो फिर कंसेंट आपकी गार्जियन देंगे, आपके जो गार्जियंस होते हैं उनको आपकी कंसेंट देनी होगी कि आप ऐसा कुछ भी एक्ट कर लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे होते हैं जो स्केटिंग सीखते हैं, स्केटिंग सीखने में हो सकता है कि किसी बच्चे एक आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएं और गिर जाएं, तो स्केटिंग सीखने वाले जो अधिकतर बच्चे होते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम की होती है, अगर वो एक दूसरे से भिड़ गए और किसी की लग गई, क्योंकि यहाँ पे अगर भिड़ना है तो ये एक अनफॉर्सिन एक्ट है, मतलब किसी को पता ही नहीं है और ना किसी की इंटेंशन भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर किसी की इंटेंशन हो वहाँ पे जान करके किसी को धक्का देके गिराने की तो वो इसमें उसमें इसको डिफेंस नहीं मिलेगा. लेकिन जब दो बच्चे आपस में जा रहे हैं और एक दूसरे की भिड़न से कोई एक बच्चा गिर जाता है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उसको गंभीर चोट लग जाती है, सर में से खून आने लग जाता है, तो यहाँ पे इसको डिफेंस ये मिल जाएगा क्योंकि आप 18 साल से कम है होने को लेकिन आपके गार्जियन ने कंसेंट दे रखी है इस काम के लिए, तो मुझे ये डिफेंस मिल जाएगा. और मेन चीज़ यही है कि आपको 18 साल से ऊपर का होना चाहिए जब आप खुद कंसेंट दे रहे हैं. तो वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब है कि या तो आप खुद बता दो कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग का मैच होता है
तो बॉक्सिंग में सामने वाला जो दूसरा बॉक्सर होते हैं आपस में उनको क्लियर होता है कि अगर मेरे पंच पड़ा तो हो सकता है मेरी नाक में से खून आ जाए, ब्लडिंग हो जाए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड का यही है कि आप क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं और हो सकता है कि बॉल आपके ऊपर आ जाए, तो ये इम्प्लाइड है कि बॉल अगर आपको लग भी जाएगी तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। उस सफर दैट हार्म, वो जो हार्म होगा, बॉल लगेगी तो आपको हो सकता है खून निकल जाए, पंच मारा तो हो सकता है नाक में से खून निकल जाए, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज टू सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। और ये उस जो पर्सन है उसको भी पता है कि हाँ इतना हार्म तो मुझे हो ही सकता है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा हार्म होता है तो उस पर्सन को यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा, वो लाइबल नहीं होगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन की बात करिए, इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बात करता है ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है कि मस्ती में, कि ए और बी, ए और जेड जो है वो यहाँ पे फेंसिंग एक गेम होता है जिसमें एक लोहे की एक तलवार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ये आपस में एक दूसरे से अम्यूजमेंट के लिए मतलब मस्ती के लिए कुछ लड़ाई करते हैं। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर अर हार्म। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट है दोनों की कि हाँ अगर हमें हार्म हो भी जाएगा तो हम हमारी मर्जी से हो रहा है सब, हमारा काम हमारे, अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर वो जो लोहे की स्टिक है वो अगर आपके किसी एक जने की भी लग जाती है तो हो सकता है आपको खून निकल जाए आपके उस पोर्शन में, आपकी बॉडी पार्ट में। इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फॉल प्ले। विदाउट फॉल प्ले का मतलब ये है कि गलत तरीके से आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। अगर सपोज मान लीजिए आप हॉकी का खेल खेल रहे हैं और हॉकी का खेल खेलते हुए आप बॉल को हॉकी स्टिक से मारने के बजाय किसी व्यक्ति को ही हॉकी स्टिक से मार दें और फिर बोलें कि ये तो डिफेंस लूंगा मैं इस सेक्शन में, क्योंकि ये क्लियर है कि यहाँ पे किसी के भी खून निकल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खून आप निकाल सकते हो, इसका मतलब ये है कि जो बॉल है अगर उससे लगती है तो बात ठीक है, लेकिन आप खुद हॉकी स्टिक से किसी को मार रहे हो तो वहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा आपको। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली का मतलब यहाँ पे पूरी तरह से कि पूरी तरह से प्रिकॉशंस हो, सब चीज़ ध्यान में रखते हुए, हर्ट्स जेड, अगर जेड को कोई हर्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ उसको उसके ब्लड आ जाता है या फिर कोई भी उसको चोट पहुँचती है, ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। एक केस है पुन्नई फातिमा वर्सेस एम्पायर, 1869 का केस है ये। इसमें बताया था कि एक स्नेक चार्मर था, मतलब एक सांप को रखवाने सांपों का रखवाला था, उसके पास वो किसी व्यक्ति के पास गया, उसने बोला कि ये जो सांप है इससे आप अगर कठवा भी लोगे और अगर आपको कोई भी हार्म होता है, कोई भी इंजरी होती है तो मैं उसको सही कर दूंगा। तो यहाँ पे जो एक्ट है स्नेक चार्मर का, उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये उसको पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे हो सकता है किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अगर वो स्नेक, तो इस केस में ये हुआ था कि जो स्नेक था उसने उस डिजीज पर्सन को था उसको बाइट किया, उसको काटा, और बाइट करने के बाद जो डिजीज था उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो फिर वो यहाँ पे डिफेंस लेने आया कि मैंने तो साहब उसको बताया था कि देख लो भैया तुम्हारी कंसेंट होनी चाहिए यहाँ पे, उसने कंसेंट भी दी थी। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट निकल के आया, जो जजमेंट दिया कोर्ट ने, वो ये कहा कि आप ऐसे एक्ट के लिए नहीं ले सकते डिफेंस जिसमें आप पता है कि इसमें डेथ है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। यहाँ पे इसने चारों को पता था कि अगर मैं किसी व्यक्ति को सांप से कटवा रहा हूँ तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तो यहाँ पे अगर वो कंसेंट दे भी देता है तो ये कंसेंट मानी नहीं जाएगी और उस पर्सन को जो पनिशमेंट मिलना है वो पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसने जो चार्मर था, जो पर्सन था जिसने सांप से कटवाया था, उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिला था, उसको ये ऑफेंस का डिफेंस नहीं मिला था इस सेक्शन में। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।